हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निश एडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मतलब हो सकता है कि है ही। दरअसल बात ये है कि अभी ये कोविड के टाइम में हम लोग सभी कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान हैं। एक तो यार देखो, ये कोविड है। सेकेंडली उसके बाद हम लोगों को क्या है कि यार जॉब का इशू, एंड जॉब के साथ साथ फिर हम लोग सोच रहे हैं कि ऑफिशियल नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ही सही। तो कुछ ऐसा ही वाक्या मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, तो मैंने सोचा यार ये इस पे तो मतलब अवेयरनेस बनती है और मैं इस पे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। हुआ यूँ कि उसने बहुत सारी जो जॉब साइट्स हैं उस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और अकाउंट तो चलो बनाया है, मैं मानती हूँ उस बात को कि उससे मेल्स आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, तो बकायदा कॉल करके ऑफर दिया जा रहा है कि देखिए आप वर्क फ्रॉम होम करिए और हम आपको एक हफ्ते का 14,000, एक हफ्ते का 18,000, और मतलब पर डे। कुछ कुछ ऐसी जॉब्स हैं, फॉर्म फिलिंग जॉब्स हैं, कुछ रेज्यूम मेकिंग, रेज्यूम फिलिंग, इस टाइप की जॉब्स हैं। तो यार होता ही है, थोड़ा सा इंसान खुश हो ही जाता है कि यार चलो देखती हूँ क्या ऑफर है ना। तो इसी तरीके से उसके साथ भी हुआ कि उसने अपना वोटर आईडी कार्ड उनको भेज दिया और वहाँ से उन्होंने एक मेल भेजा कि आप ऐसा ऐसा एक लीगल एग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल फेक है, फ्रॉड है। और उसके बाद उसको लगा कि यार नहीं, कुछ तो बात है, तो एक होता है ना सिक्स सेंस, तो उसने फिर उनको मना कर दिया। तो होता क्या है, वो कंपनी वाले कहने लगे कि मैम ठीक है आप मत करिए, बट आपके पास एक मेल आएगी फॉर्म फिलिंग की, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। तो उसने बिल्कुल वो स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, अनु अपने बात पर टिके रही कि नहीं मैं नहीं भेजूंगी। तो अब वो लोग परेशान हो गए कि यार करा तो करा क्या जाए। तो मेरे हिसाब से जो ये इनका जो रैकेट है, इसका हमको कुछ करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग का चल रहा है। तो मैं आप सबसे यही बात बोलना चाहूँगी कि हमें सेफ रहना है, एक तो कोरोना वायरस से, दुनिया तरह में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे, और तीसरा ये ऑनलाइन फ्रॉड से जो ये हो रहा है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस टाइप के कॉल्स मैसेजेस पे जो पैसा डिमांडिंग होते हैं उन पे ना रवैया दीजिए, ना उस पे कुछ इंटरेस्ट दिखाइए। अब वो उनके साथ क्या बोल रहे हैं मालूम है, सॉरी हाथ दर्द हो गया, दूसरे हाथ से पकड़ते हो। अब वो सीरियसली वो ये बोल रहे हैं कि आपने मैम रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अब आपका क्या हो गया है, आईडी बन चुकी है, अगर आप 7 दिन के बाद आप नहीं करते हैं काम तो आपको हमारे 4700 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे एक बात ये बताओ, जब मैं कैंसिल कर चुकी हूँ तो किस बात के मुझे पैसे देने हैं, जब मैंने आपको मना कर दिया है तो किस बात के मुझे पैसे देने हैं, ना मैं आपका काम करने के इच्छुक हूँ, ना मैंने रजिस्ट्रेशन करा है, तो अब क्यों मुझे पैसा देना है। तो कहे नहीं नहीं ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और वो लिटरली वो मैंने पर्टिकुलर एग्रीमेंट मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वो एग्रीमेंट मैंने गूगल में डाला और बहुत जगह क्रॉस चेक करा, तो लिटरली यार वो फेक है। और अब उनकी क्या ट्रिक रहेगी कि आज दूसरा दिन है, कल की बात है ये, आज दूसरा दिन है, अब उनकी क्या ट्रिक रहेगी कि 7 या 8 दिन के बाद वो ये बोलेंगे कि क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने अपना वोटर आईडी उनको भेज दिया था, तो अब उनकी ट्रिक क्या रहेगी, वो बोलेंगे ठीक है अब आप नहीं कर रहे हैं तो हम आपके पेरेंट्स के नाम पे वारंट निकाल रहे हैं या फिर आपको लीगल नोटिस आएगा। यार अब खुद बताओ, कोई वकील जब बात करता है तो क्या वो गाली देगा, जब कुछ गंद शब्द यूज करेगा, नहीं ना। कोई भी लॉयर है यार, वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम केस को ना आगे बढ़ाएं। तो बहुत ज़्यादा ये फर्जी वाला चल रहा है बॉस, तो थोड़ा सा बच के रहना और अवेयर रहना। जॉब की तलाश में हो तो मेरी बेस्ट विशेस हैं कि ये 2021 आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ और सब कुछ लेकर आए, बट अगर ये ऐसा फ्रॉड यार अच्छा होगा किसी के साथ तो मुझे बिल्कुल पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो अगर गाइज आप लोग को ये अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ऑब्वियसली नए हो गए अभी, ये नया ही चैनल है, और शेयर भी करना। एंड में जल्दी ही कल परसों में देखती हूँ उसका क्या लेटेस्ट चल रहा है, विद रिकॉर्डिंग विद व्हाट्सएप चैट भी अटैच कर दूंगी ताकि हम उस वीडियो को और अच्छे तरीके से देखें। ऑलराइट, सो बाय, टेक केयर।